हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 के लगभग, और मैं जस्ट अभी मेरे ऑफिस का कुछ काम था अभी जस्ट फिनिश करके, सोचा कि आपके साथ एक जो है जेन्युइन हेयर प्रोडक्ट मैं शेयर करती हूँ। कल रात को ही मैंने हेयर वाइटलाइजर यूज़ किया था, जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल 8 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, और वो प्रोडक्ट है आपका ये जॉर्डन का। देखिए, ये जॉर्डन का प्रोडक्ट है, ये एक बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, जैसे कि आंवला एक्सट्रैक्ट है, तुलसी है, हरड़ है, बहरा है, तो ये सब सारे हर्बल है। अरोमा हेयर वाइटलाइजर इसका नाम है, और इस ये बिल्कुल भी बालों में चिपचिप नहीं करती, तो इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो, एवरी नाइट सोने से पहले। नेक्स्ट डे आप इसको मॉर्निंग में शैम्पू से वॉश भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो कि आप वॉश नहीं भी करना चाहते हो तो आप इसको कंटिन्यूसली 2-3 दिन लगा के उसके बाद भी शैम्पू कर सकते हो। जैसे कि मैं हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करती हूँ, चूँकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो ज़्यादा बाहर मेरे जाना नहीं होता, इसलिए मैं हफ्ते में दो दिन मेरा इनफ रहता है। तो मैं हर दिन इसको यूज़ कर रही हूँ, और चूँकि मेरे बाल पिछले कुछ दिनों से बहुत ही पतले हो रहे थे, तो मैंने इसको कंटिन्यूसली फॉलो करना शुरू किया है। और मैं इसको रेटिंग करूँगी 7 out of 10, ठीक है। तो 7 out of 10 इसका रे करने के बाद ही मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ। तो आप इसको कंटिन्यू अगर यूज़ करें, और इसके साथ हाँ, एक और है वाइटलाइजर जो कि ऑनियन हेयर ऑयल है, उसके साथ इसको मिक्स करके मैं कभी कभार लगाती हूँ, वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी वो मेरे पास नहीं है अवेलेबल, परचेज़ करने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी वो भी। ये दोनों को मिक्स करके आप हेयर रूट्स पे लगाइएगा, और मैं वो वीडियो क्लिप भी इस वीडियो में ऐड कर दे रही हूँ, आप उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक प्लेट में लेके उसको उंगली से ऐसे ऐसे करके पूरे हेयर स्काल्प में उसको लगाना है। और बाकी ये हेयर ऑयल लगाने से होता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है चिपचिपाहट, आराम से आप इसको लगा के भी नेक्स्ट डे चाहो तो आप आउटसाइड जा सकते हो। देखिए, मेरे बालों में अभी भी लगा हुआ है, मैंने कोई शैम्पू नहीं आज यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं आज भी रात को इसको लगा के सोऊंगी, और मेरा जो है हेयर फॉल पहले की तुलना में भी कम है। तो मैं जब इसको लगाती हूँ तो लगाती रहती हूँ, तब बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है मेरे बालों पे। और जैसे कि जब छोड़ देती हूँ, जब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तब फिर से हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको आपको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना है अगर आपके ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ये हेयर वाइटलाइजर के बारे में ही मेरा कहना था, तो आप वो वीडियो क्लिप आगे इस वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ जॉर्डन का हेयर वाइटलाइजर इस तरह से इस बॉटल में आते, प्लास्टिक की बॉटल है। लगाने से पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ऐसे हिला दीजिए पूरा, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको किसी साफ प्लेट में लेके अपने उंगलियों से धीरे धीरे करके आपको उस पूरे स्कैल्प में इसको लगा लेना है। देखिए मैं जिस तरह से लगा रही, पहले आपको पूरे स्कैल्प में इसको लगा लेना है, उसके बाद जो है पूरे हेयर्स में नीचे तक आपको लगा लेना है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो नेक्स्ट डे शैम्पू करके उसके बाद फिर से नाइट में ये लगा लेना है। तो रात को सोने से पहले ही आपको ये यूज़ करना है। तो ये सारी रात जो है हम लोग जब सोते हैं तो ये अच्छा वर्क करता है उस समय, है ना। और धूल मिट्टी की तो होती नहीं है प्रॉब्लम, रात को हम सो जाते हैं तो पॉल्यूशन की कोई ये दिक्कत नहीं है। तो इसी ज़्यादा रूट्स में जाके ये रात को ही ज़्यादा काम करता है। देखिए, लगाने के बाद कुछ ऐसा आपको लगेगा देखने में, कुछ चिपचिपाहट नहीं, कुछ नहीं। आप आराम से नेक्स्ट डे इसको ऐसे भी लगा के बाहर निकल सकते हो। ये कम से कम आप 2 महीने आराम से यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाए। तो देखा आपने कैसे मैंने हेयर वाइटलाइजर को यूज़ किया। अगर आपको पसंद आए मेरा ये चैनल, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है रूपा और मैं कोलकाता से हूँ, और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट का भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस प्रोडक्ट का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, इसको लगाने के साथ साथ सिर्फ लगाने से ही नहीं होता, हमारी जो है डेली की खाना पीना वो सब भी हेल्दी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए खाना, और कम से कम 8 आवर्स की नींद, वो तो हर कोई को ज़रूरी है। तो सिर्फ लगाने से तो नहीं होगा ना, तो अंदर से आपको अगर स्वस्थ रहना है, आपके बाल तभी स्वस्थ रहेंगे जब आप अपने शरीर को जो वो चाह रहे हैं उसको आप डिमांड को पूरा कर रहे हो, ठीक है। वो अच्छी नींद, अच्छा खाना, ठीक है, और खुश रहना बस, और नहीं बस मेरे तरफ से यही टिप्स है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव नाइस डे, बाय।